Dear student of class 7, today we are going to start next part of exercise 8.2. So dear student, exercise 8.2 में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है 4 तक हम लोग कर लिए थे. क्वेश्चन नंबर 5 के आगे देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 एंड 12. ठीक है, आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है 3 एंड 12 के. देखिए 3 एंड 12 के बीच में हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टू नंबर गिवन 3 एंड 12. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो आप इस तरह से 3 is to x as x is to 12. मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है कि मीन की जो वैल्यू होती है, यानी बी एंड सी की जो वैल्यू होती है वो x ले लेते हैं. x या a कुछ भी, लेकिन सेम क्वांटिटी में. ठीक है, अब आप नंबर लगाइए, आपको पता है Push
क्वेश्चन नंबर सर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें तो बॉयज टू गर्ल्स रेशियो गिवन है, बॉयज टू गर्ल्स गिवन है रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स कितना दिया है 3:4 और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 20, हमें बताना नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज ये बताना है। तो यहाँ सिलेक्ट करो नंबर ऑफ बॉयज डी एक्स, तो मतलब ये हो जाएगा 3:4 इज इक्वल टू एक्स इज टू 20, क्योंकि देखिए पहले बॉयज और गर्ल्स है, तो बॉयज और गर्ल्स हो गया बॉयज और गर्ल्स, और यहाँ पर बॉयज को मैच किया थे गर्ल्स, तो 3:20 और 4:20 एक्स प्रोडक्ट ऑफ स्क्रीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो अब हो जाएगा आपका 60 = 4x, तो 4x इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं 60, तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन 4, क्योंकि मल्टीप्लाई करना तो क्या होता है डिवाइड, 2 से करिए 2 ये कितना हो जाएगा 30, 2 से करिए 1 ये कितना हो जाएगा 50, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 50, एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 50। ओके सर, थैंक यू।